नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड न्यूज। मैं बाहर से अजय कुमार मिश्रा। रंगाबीरों के साथ हुआ वोट मांगने का सिलसिला शुरू। इसी कड़ी में जो चुनाव नजदीक आ रहा है, लोग जो है अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। बता दें कि कुछ महीनों बाद बिहार में पंचायत चुनाव है। इसको लेकर के बैठना पश्चिमी पंचायत के गीतांजलि देवी जो हैं, वो भी मुखिया पद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं और रंग अबीर लगाकर जो है आज से वोट मांगने का सिलसिला शुरू किया। क्या नाम हुआ आपका? गीतांजलि कुमारी। आप आज से पंचायत चुनाव का श्री गणेश कर रहे हैं? जी। किस पंचायत से? पश्चिमी, बिरना पश्चिमी पंचायत से। क्या सोच के चुनाव में आई उतरी? पंचायत चुनाव में उतरने के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या सोच है? जनता को सेवा करने के लिए, पंचायत जो आज तक नहीं हुआ वो करने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए, वृक्षारोपण के लिए, स्कूल ज्ञान विज्ञान जो मतलब बन पड़ेगा वो कर पाए करेंगे, जो मुखिया आज तक नहीं किया वो हम करेंगे। आप महिला हैं और तो आप जीतेंगे तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? जो बन पड़ेगा वो करेंगे, जो उसके लिए अच्छा होगा वो करेंगे। आपको लगता है कि महिलाओं को, आप महिलाओं के आगे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर आप जीतते हैं या आपका कोई लक्ष्य हो तो महिला को, महिला आगे बढ़ेगी? जरूर बढ़ेगी। चुनाव के मैदान में आप अपने बहू को उतारे हैं बेगना पश्चिमी पंचायत से, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा देखिए, बहुत सारी गूढ़ समस्या हमारे पंचायत की है जो पूर्व के हमारे जनप्रतिनिधि उस पर कभी ख्याल नहीं रखी है। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के किसान का है, जो किसान का सैकड़ों बीघा भूमि डूबा हुआ रहता है, लेकिन पुराने जनप्रतिनिधि कभी इस पर, अरे गली नाली तो समस्या है ही, लेकिन उस समस्या के साथ जो मूल समस्या है उस समस्या पर किन्हीं का ध्यान आज तक नहीं गया है, जिसको कि निपटाने का मन बना लिया है, इसीलिए चुनाव में उतारे हैं। हाँ, इसीलिए चुनाव मैदान में उतारे। इसके अलावा और कौन सा ऐसा मने अधूरा मुद्दा है जिसको आप पूरा करें चुनाव जीतने? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं कि कहने की बात नहीं। आज हमारा समाज जो है विखंडित होता जा रहा है, लोग अलग अलग भाग में बंटते जा रहे हैं, और मैं तो ये मानकर चलता हूं कि पूरा गांव, क्या पूरा पंचायत जो है बेढ़ना पश्चिम, वो मेरा परिवार है। पंचायत की हर बेटी मेरी बेटी है, हर माँ मेरी माँ है, हम तो ये मान के चलते हैं। और इसी मुद्दे को लेके जो आपस में कुछ मैंने गुटबंदी है, हम चाहेंगे कि हमारा पूरा पंचायत एक होके चले, ताकि बगल के प्रखंडों में कुछ पंचायतों का मैंने जो निखार देखा है मुखिया के द्वारा, वो देख के थोड़ा सा अनुकरण करने का हमारा भी दिल करता है। इसी वजह से इसी वजह से धन्यवाद।